ये नदियों की कल कल छल की आवाज मनोरम है, ये कुछ और नहीं। अरे यार बोला मत, ब्लॉग बना रहे थे लायो की ये कुछ और नहीं। आज हम आदमा गोमती के नदी के उस पावन तट पर बैठे हैं जहाँ जौनपुर की एक ऐतिहासिक धरोहर जिसे भरतमिलाप कहा जाता है। हमारी जौनपुर आदमा गोमती के दिखा दे, ये नदियाँ हमें कुछ बताती हैं। ये नदियाँ ये बताती हैं कि अगर हम जब साल पर हैं तो हम बहुत ही सुकून, लेकिन जब हम अपने आक्रामक पल को देखते हैं आप देख कर चौंकी नहीं, कुछ और नहीं, ये हमारी जौनपुर जिसे भारत का सिराज कहा जाता है, सिराजे हिंद, इसे सिराजे हिंद की सहजनी कही जाती है। ये वही जौनपुर है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने पराक्रम को बिखेर, ये वही जौनपुर है जहाँ सिविल के क्षेत्र में न जाने कितने IAS दिए। ये वही जौनपुर है जहाँ से न जाने कितने मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। तो जौनपुर की लीला तो मनोरम है। इस जौनपुर के धरा पर हम लोग बैठे हैं और आज इस भक्त मिलाप का एक छोटा सा आनंद पल वो अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस नदी के किनारे केवल मैं, इस नदी के किनारे नदी की कलकल छलछल की आवाज, ये मुगलों के समय की बनी हुई ये पुल जिसे शाही पुल कहा जाता है, इसके मनोरम दृश्य किसी अमेरिका, दुबई, फ्रांस, जिनेवा से कम नहीं है। ये अपने आप में एक अनोखी है। ये नदी के किनारे लगे हुए लाइट्स और ये सामने दिखता हुआ LCD जिस पर शाम और सुबह रामायण की कथाएं चल रही हैं, वही राम जिन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। हम इस नदी में हैं, आपको बाबा श्री गोमतेश्वर नाथ मंदिर को भी दिखाएंगे जो कि पानी में डूबते हुए भी अपनी शक्ति को बिखेरे हुए। ऐसा माना जाता है यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं और जो भी मन्नतें मानते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। अगर आपको भी लगता है आपके जीवन में कुछ मनोकामनाएं हैं तो आप भी आ करके यहाँ मानते हैं। इस पुल की इमारतों पर आप देखेंगे किस तरीके से नारद जी की तस्वीरें बनाई गई हैं, शायद नारद जी हैं, और यहाँ पर आज रात के समय में सुकून लेते श्रद्धालु अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। यहाँ पर कोलाहल है, कहीं मानुष की, कहीं बच्चों की, तो कहीं बुजुर्गों की। बच्चे आज इस मेले में केले भी खरीद रहे हैं और जलेबी भी खरीद रहे हैं और खिलौने भी खरीद रहे हैं। हम थोड़ी सी समय निकाल कर
आप लोगों के बीच में आया, इसलिए आया कि क्योंकि बहुत ही सुकून का पल है। आपको और भी तस्वीरें इसी महीने का दिखाऊंगा। ये तो हमने अभी आपको थोड़ा नदियों की और इत्यादि इत्यादि चीज़ों का पल दिखाया, आप देखिए इस तरीके से ये नदी की मनोरम दृश्य। अगर आपको लगता है यहाँ आना चाहिए तो हम आपको बता दें ये किसी पेरिस और जिनेवा से कम नहीं है, अपने आप में एक बेहतरीन यह है। कहा जाता है कि इस सिराजे हिंद की सहजमी पर अगर आपको ठहरना है या यहाँ का आनंद उठाना है तो आप रात में आए और यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था और इस नदियों की और इस मंदिर की आप खूबसूरती को देख सकते हैं। आइए इस नदी के दृश्य के बाद हम आपको थोड़ा सा ले चलेंगे और आगे। आप देखिए किस तरीके से ये आनंद का पल चल रहा है। कोई नदी में हाथ धुल रहा है तो कोई खिलौने से खेल रहा है, और वो सामने देखो वो एक पुल है जिसे सद्भावना पुल कहा जाता है। हालांकि उस पुल को मुगलों के द्वारा बनवाया गया, क्योंकि इसी पर बसा हुआ एक और पुल है जिसकी मनोरम दृश्य शायद अपने आप में कुछ बिखेर रही है। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से आज इस मेले का आनंदमय दृश्य चल रहा है, और इसी मेले में हम भी हैं जो हम आपको दिख नहीं पा रहे हैं। इन मंदिरों को देखो और इस मंदिरों को देखकर आप ये सोचें कि कितना ये आनंदित पल होगा। और ऐसा माना जाता है इस शंकर मोचन के मंदिर में जो भी अपने मन्नतों को माना है वो ज़रूर उसका पूरा हुआ है। श्रद्धालु आते भी जा रहे हैं, कोई खिलौनों से खेल रहा है तो कोई खुद के आनंद में मगन है। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये पल और भी मनोरम होता जा रहा है। ये एक ऐसा पल है जहाँ पर शायद ही सुकून मिल रहा है। हमारा जौनपुर किसी बनारस और लखनऊ जयपुर से कम नहीं है। अगर जयपुर को पिंक का सिटी कहा जाता है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो हमारे जौनपुर को संस्कृति और सभ्यता का शहर कहा जाता है। एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता, एक ऐसा शिक्षा का मंदिर जिन्होंने न जाने भारत को कितने IAS IPS PCS साइंटिस्ट मुख्यमंत्री इत्यादि न जाने कितने को यहाँ से बना के हमारे जोन पर भेजा है। तो हम तो कहेंगे कि आप आएँ और हमारे जौनपुर का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि जौनपुर जौनपुर है। अगर आप जौनपुर आएंगे तो मोछे साहु का इमरती तो खाना पड़ेगा आपको, आपको बेनी साहु का इमरती तो खाना पड़ेगा। ये दोनों इमरती हमारे पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हैं, और इस इमरतियों का बोलबाला केवल अपने ज़िले तक नहीं, ये इमरती हमारी महाराष्ट्र तक जाती है। तो देखिए क्या किस तरीके से कोलाहल का माहौल चल रहा है। तो हम सभी से चाहेंगे कि अगर हमारे जौनपुर में आए तो हमारे जौनपुर का आप इमरती ज़रूर खाएं और मोछे साहु का इमरती ज़रूर खाएं। वही मोछे साहु जो सब बनारस जौनपुर और बनारस के रोड पर पड़ते हैं, और उस स्थान का नाम है सिरकोनी। तो आप ज़रूर आएँ और इमरती को खाएँ। देखिए किस तरीके से ये दृश्य है, कितना गजब का। ये तो अभी सब छोटा सा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी बहुत अच्छी दृश्य है जो आप पूरा घूमने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों देखिए किस तरीके से लोग आनंद का पल ले रहे हैं। अभी कुछ ही समय में झांकी भी निकलेगी, क्योंकि आज का पल ऐसा माना जाता है कि जौनपुर पूरी अपनी संस्कृति को दिखाता है। जिस तरीके से आज भक्त मिलाप का ये स्थान ये संगम चलने वाला है, तो इसमें पूरा का चलता है, जो कि 2:30 बजे से लग करके पूरे सुबह शाम 4 बजे तक चलता है। और आप देखेंगे दूर दूर तक किस तरीके से सब लोग नदी के इस आदि माँ गोमती माता के इस पावन धरा पर
आनंद को ले रहे हैं। अगर आप जौनपुर आएँ तो ज़रूर आनंद लें और एक रात रुके और इस पावन नदी के तट पर आप आनंदित हों और इन नदियों की आवाज़ को सुनें, क्योंकि ये नदियाँ भी कुछ कहती हैं। आज हम भी इसी लॉग में हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ एक मतलब कह सकते हैं कि नदी का जो दृश्य है, जो नदी का देखने लोग देखने के लिए आए हैं, मतलब कितना बेहतरीन सा लग रहा है। बाकी आप लोग, हम तो कहेंगे कि आप लोग आएँ, ये कि स्विट्ज़रलैंड अमेरिका से जाना नहीं, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ पर मंदिर है, आप आएंगे, ये बिंदा घाट कहा जाता है इसे, और देखेंगे लिखा भी है बिंदा घाट। आप आएँ और ज़रूर आएँ, आप लोगों से आग्रह हैं, अगर आएँ तो मोछे साहु का इमरती ज़रूर खाएँ, क्योंकि मोछे साहु का इमरती आपने नहीं खाया जौनपुर में तो आपने कुछ भी नहीं खाया। तो इसी घाट पर हम भी हैं, जो कि हम अदृश्य हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ सकते, तो हमें देखने का प्रयास ना करें। अब देखिए हम फिर आपको एक बार दिखाते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं। इस दृश्य को देखें और इस दृश्य से देख करके आप इसकी सजावट को देखें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर आएँ यहाँ घूमने के लिए। धन्यवाद।